तो चंडीगढ़ है या संगरूर है? नहीं, मैंने बड़ी खुशी है, देखो ये बहुत समय तो इस इलाके की मांग सी गई और कई महीने तो आप कोशिश कर रहे थे जल्दी उद्घाटन हो। अच मैं खुशी है कि प्रधानमंत्री साहब ने उद्घाटन किया है, तो नाल भी साडे डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के भी एक PGI का नींह पत्थर रखा गया, तो ये इस इलाके को बहुत बड़ा फायदा मिलना और मैंने खुशी है कि हम ये बहुत बड़े पद्धर से इस इलाके की सेवा करें। खन्ना साहब ये पर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और की फैसिलिटीज है? डायरेक्टर साहब को पूछना पड़ेगा क्योंकि बारीकी नाल वही दस सकते हैं की फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। किवें देखदे हो जेकर मेडिकल कॉलेज भी बनता लगता भी संगरूर है जो एक हेल्थ हब बन सकता है? देखो जिवें प्रधानमंत्री साहब ने आज अपने भाषण जी किया कि सेहत सेवावां प्रति भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का बहुत जोर है। मैनू इस गल दे हुण आपां बह के यही गल कर रहे सी कि जो भगवंत मान साहब ने भी बयान दिते कि जी मैं इत्थे मेडिकल कॉलेजेस खोलनी है, हाले तक 2 साल च एक नींह पत्थर नहीं रखा गया। जो मसवाना साहब की जमीन का रौला सी वो रौला भी खत्म हो गया, मुक गया रौला, पर अज भी उत्थे नींह पत्थर नहीं रखा गया। तो जो भी सेहत सेवावां प्रति काम हो रहा है यह प्रधानमंत्री साहब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है दिल्ली के करी जा रही है। पंजाब सरकार मैनू अफसोस नाल कहना पै रहा कि वो कुछ नहीं कर रही सेहत सेवावां प्रति। लगता हूँ जिवें रजिंद्रा हॉस्पिटल जाते जाते लोगों को अपनी जान गवानी पै जाती सी तां PGI एक वड्डा जिहड़ा था बिल्कुल हुण खुल गया। PGI 300 तो बाद पिछले 6 महीने 300 तो बाद इत्थे ऑपरेशनस हुई हैं, पूरी OPD चालू है और भी बाकी जो कमरे हैं पंजाब च नहीं होया गुजरात। जिस पार्टी ने एक दूजे नूं गालां कढ़ी कहिंदे कि इस तो वड्डे चोर नहीं, अज दोनों चोर इकट्ठे हो गए हैं, इस तो बाद मैं की कह सकता। आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के नाकामियां ते बनी है, तो अज वही आम आदमी सरकार अज कांग्रेस पार्टी के नाल मिल के चुर रही है। तो यह लोग ही पूछेंगे एक दिन सवाल, मैं तो कहता पंजाब से भी समझौता कर लो, क्यों खत्म करिए मुकाइए आप गल। उद्घाटन होगा तो किस तरह सेवावां ने जिहड़ियां हुण लोकां नूं इत्थों मिलणगियां? ए PGI दे सैटेलाइट सेंटर जिहड़ा अज संगरूर ते फिरोजपुर इनोग्रेट होया, ये बहुत वधी जित है मरीजा लई। हर तरह की सेवा जिहड़ी मेन हैगी है, तुसी गायनी की सेवा लाओ, तुसी सर्जरी की सेवा लाओ, तुसी मेडिसिन की सेवा लाओ, तुसी अखा की सेवा लाओ, ये सब इधर उपलब्ध होंगी और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ नाल होंगी। सब तो वड्डी जित जिहड़ी हैगी है वो ये हैगी है कि जेडे मरीज धक्के खाते कई बार छोटी छोटी बीमारियों लई PGI आते सी, हुण वो पेशेंट्स का इलाज इधर हो जाएगा। तुसी इस गल नू समझो कि इन्नी दूर PGI आके जिहड़ी लोकी इलाज कराते सी वो कोई बहुत वधिया गल नहीं है, हुण उही इलाज तुहाडा इधर शुरू हो जाएगा। इस टाइम संगरूर की OPD 500 मरीजा नाल डेली चल रही है, समझे गल नू, और असी 300 तो ज़्यादा ऑपरेशन कर सके और वो ऑपरेशन ने जिन्हें PGI रश होने करके लंबी डेट है, इधर हर तीजे दिन उन्होंने ऑपरेशन हो जाता है। सो ये सब चीज़ों देख के ये बहुत वड्डी जित है संगरूर के मरीजों। देखो 300 बैड का हस्पताल है, 4 OT चल रहे हैं और 380 ऑपरेशन कर चुके हैं, 500 की OPD हैगी है, हुण इनोग्रेशन तो बाद वधेगा। बिल्कुल एमरजेंसी तुहानू 6 महीने च लगातार शुरू मिल जाएगी, इट विल रोल द मोमेंट वी हैव आवर एडिक्वेट स्टाफ। एट द मोमेंट अद्धा स्टाफ संगरूर का है, अद्धा स्टाफ साढ़े चंडीगढ़ तो रोटेशन पर आंदा है, ये चलेगा, चंडीगढ़ की रोटेशन चलेगी। चंडीगढ़ के जिहड़े डॉक्टर ने इधर रेगुलरली आके अपनी सेवावां देंगे मरीजों को, पर नाल दी नाल जदों संगरूर का स्टाफ कंप्लीट हो जाएगा उदो फिर इधर डबल इंपैक्ट होएगा। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत खुशी का दिहाड़ा अज जिहड़ा साडा PGI संगरूर बन गया, ये बनना भी चाहिए सीगा क्यों करके इस इलाके दे विच इहो जे स्टैंडर्ड दा हॉस्पिटल है नहीं गा, और ये नाल बहुत फायदा संगरूर नूं होगा, बाकी दे इलाकियां नूं होगा, तो संगरूर दे विच कैंसर का भी हॉस्पिटल बन गया, तो मस्तवाना साहब दे विच मेडिकल कॉलेज देण दे लई मस्तवाना ट्रस्ट वो कहिंदा सी देण नूं तैयार है, पर पंजाब दी सरकार अजे तक बनाउणा नहीं चाहुंदी। तो जे मस्तवाना साहब भी मेडिकल कॉलेज बन जूगा तो फिर संगरूर दे विच सब तो वधिया इलाज की फैसिलिटी बन जूगी,
तो प्रेस का काम है कि किसी ना किसी तरह चीफ मिनिस्टर साहब को दबाव पाया जाए कि जमीन हैगी है मस्तवाना साहब की। मैनू उन्होंने लिख के दे दिता है कि असी जमीन देने तैयार हैं, पर पंजाब की सरकार क्यों नहीं इस बना रही। संगरूर की विधायक की गैर हाजिरी रही है प्रोग्राम से, किमें देख रहे जी जी संगरूर की विधायक की गैर हाजिरी रही है इस प्रोग्राम से, उन्होंने किमें देख रहे नहीं ना मैं देखा कदे तो अज भी नहीं देखा, तुम कहते अज भी नहीं देखा है तो गैर हाजरी होने। मान साहब किसानी अंदोलन चलिया, अंदोलन जोड़ा है ये साढ़े देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो सिर्फ कहते हैं कि किसानों के जोड़े कर्जे वो माफ़ किए जा, ये बड़ी जायज़ चीज़ है क्यों करके वे वे शाहूकार बाणी शवाणी दे उन्होंने कर्जे माफ़ किए गए हैं। तो संविधान की धारा 14 कहती है कि कानून के अगे सारे बराबर हैं, जे वे शाहूकार कर्जा लथ गया तो फिर किसानों का भी लथना चाहिए। ये खुदकशियां कर रहे हैं, ये बहुत फायदा होगा किसानी का। जिमें 1947 तो पहला जदों कट्ठा सी पंजाब, चौधरी छोटू राम साडे एग्रीकल्चर मिनिस्टर सीगे, उन्होंने एक कलीक वाती सी सारे कर्जे दे उत्ते किसानां दे, तो उस तों बाद बहुत फायदा होया किसानां नूं, ते एक कर देना चाहिदा है। ते जिहड़ी उह रिपोर्ट हैगी है स्वामीनाथन रिपोर्ट, वो भी लागू की जानी चाहिए है। पता नहीं सेंटर क्यों जिद कर रहा है, क्यों साढ़े किसानों मार रहा है, क्यों उन्हें नवा एक बॉर्डर पाकिस्तान ते दिल्ली के विचाले बनाता है कि ये इलाका पंजाब जम्मू कश्मीर लद्दाख कांगड़ा चंबा ये वक्रे कर दिते गए है। सानू तो समझ नहीं आते क्यों असली होगा चली जाऊगी। ये तो पंजाब नूं कर देनी चाहिए अपनी एफ आई आर दर्ज कर, होम मिनिस्टर उहदे उत्ते भी कतल का केस होना चाहिए साजिश का, क्यों करके सारा कुछ इसने किया और मोदी सरकार ने सेंटर तो किया है। पता नहीं क्यों किसानों तो डरती है, तो मैं तो अजे भी बाकी दे किसान यूनियन जिहड़े अजे तक उत्थे नहीं पहुँचे उन्होंने भी जाना चाहिए। लोगों की मांग है कि सारे किसान यूनियन उत्थे पहुँचन, तो जिहड़े नहीं पहुँचे उन्होंने भी मैं अपील करता कि उत्थे पहुँचण। ये की कहना चाहोगे अज पू चढ़िया जी? मैं अज बड़ी खुशी की गल है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह दी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2013 की लास्ट कैबिनेट मीटिंग दे विच 449 करोड़ रुपया मंजूर करके संगरूर दे विच PGI की शुरुआत वास्ते काम शुरू किया सी। अज वो काम मुकम्मल भी होया, उहदी OPD का विंग पहले दिन तो ही उरे एक छोटा विंग बना के उहदे लई चालू किया गया सी, ताकि साइड बाय साइड दूजा मेन हॉस्पिटल चल सके। कुछ कारण करके डॉक्टरां दी नियुक्ति या डॉक्टरां दी भर्ती वड्डे पद्धर दी भर्ती ना होण कारण ये हॉस्पिटल पहला नहीं चल सकिया। हुण भी मैं डॉक्टर साहिबान नाल गल कर रहा सी, उरे 13 डॉक्टर फिजिकली प्रेजेंट है जिहड़े OPD नूं भी रन करदे हैं, जिहड़े OPD नूं भी रन करदे हैं, ते OPD दे नाल नाल कुछ फील्ड्स दे ऑपरेशन नूं भी कुछ दिन ऑपरेशन करदे हैं। और अज इहदा उद्घाटन होया, अज फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर ने इहनूं लोगों नूं डेडिकेट किया। इहदे नाल बहुत सारा जिहड़ा लोड चंडीगढ़ PGI दे उपर है वो घटूगा। यही एक सोच सीगी उस वेले जदों मैं उरे दा MP सी, ते इस हॉस्पिटल आपां मंजूर किया 449 करोड़ रुपए की लागत नाल। और जदों PGI का लोड घटूगा तो उहदे नाल मालवे इलाके दे बहुत सारे लोग जिहड़े
फरीदकोट ज़िले के समझ लो बरनाले दे मानसे दे संगरूर दे पटियाले दे जिन्हां नूं चंडीगढ़ की पी जी आई विच जाके चाहे बैड लैन की दिक्कत आउंदी है जिहड़े लोग उत्थे कोरीडोरस दे विच अपने मरीज़ दे नाल बाहर बैठे रहिंदे आ कई पेशेंट्स स्ट्रैचर दी पई रहिंदे आ कई दिन और कई लोगों नूं ग्लूकोज की बोतल कार दे विच ही लानी पै जांदी सी। ये गल्लां सारियां मैं जदों मेरे पिता जी पी जी आई एडमिट होए सी मैं उदों देखियां सी ते और वो देखण तों बाद जदों मैं एम पी बनिया ते इह पी जी आई नूं शुरू करन वास्ते 2-3 साल दब के मेहनत कीती तां इहदी मंजूरी होई ते उदों इहदा पैसा मंजूर होया ते इहदी इमारत बनी ते ओ पी डी चालू हुई सी ते अज जे ओपरेशन होण वास्ते फेज्ड मैनर दे विच काम होया ते इह बड़ी खुशी दी गल है और मैं हमेशा इस गल वास्ते अपने आप नूं खुशनसीब समझदा कि इस इलाके दे साडे सत्कारत लोगों ने जदों मैनूं आशीर्वाद दिता तां असी कि बड़ा पी जी आई दा हस्पताल उरे लैके आ सके ते इहदे नाल नाल इक कैंसर दी वड्डी सहूलत उरे लैके आ सके और पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार वेले असी एक मैडिकल कॉलेज की भी मंजूरी इत्थे कीती सी जिहड़ी पिंड घावदा विच गऊशाला की जमीन के उपर 10 एकड़ जमीन गऊशाला की कमेटी ने दित्ती सी और उस मैडिकल कॉलेज नूं अगर असी इस हस्पताल दे ते टाटा कैंसर हॉस्पिटल दे नेड़े बनाउने आ तां जिन्हें बच्चे मैडिकल कॉलेज पढ़नगे उन्हां नूं टाटा दे कैंसर हॉस्पिटल दे काबल डाक्टरां वल्लों ट्रेनिंग लैण दा मौका मिलेगा और उस तरजीह दे उपर एम्स दे पी जी आई दे जिहड़े डॉक्टर जिहड़े चंडीगढ़ तों रिक्रूटमेंट होकर उरे आउंदे आ जे मैडिकल कॉलेज इहदे नेड़े बणदा उह बच्चों ट्रेनिंग लैण दा पी जी आई दे डॉक्टरों तों भी उन्हां नूं अवसर प्राप्त होगा उन्हां नूं मौका मिलेगा क्योंकि ये दोनों इंस्टीट्यूशन इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं चाहे वह पी जी आई का इंस्टीट्यूशन है तो चाहे वह टाटा कैंसर हॉस्पिटल का इंस्टीट्यूशन है इन्हां दे विच जिहड़े डॉक्टर हैं वो बड़े उच्च पद्धर की जिहड़ी डॉक्टर होंदे उन्हां नूं ही इन्हां च एडमिशन मिलती है या वो लोग ही ये वालियां इंस्टीट्यूशन विच जाके डॉक्टर लग पाते हैं। तो इस करके मैं मौजूदा सरकार नूं इस गल की बेनती करूँगा कि जिहड़ा प्रोजेक्ट मैडिकल कॉलेज का कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मंजूर किया उस नूं जल्दी तो जल्दी ये दोनों हस्पतालां दे नेड़े स्थापित किया जावे। मैं गल कर रहा हूँ मैडिकल कॉलेज मस्तवाना साहब च बनाने वास्ते मुख्यमंत्री साहब ने शिफ्ट करता सी। मैं चाहना जिथे भी बनाना बना दिओ ये संगरूर मैडिकल हब डिवेलप होगा आने वाले समय च पंजाब वास्ते। अज तुसी देखो कैंसर दी दे इलाज वास्ते हरियाणे तो हिमाचल तो चंडीगढ़ तो पंजाब तो राजस्थान तो लोग संगरूर दे विच आके कैंसर का इलाज कराते किन्ने वड्डे पद्धर की सहूलत मिली हुई है और किसी व्यक्ति का किसी साथी का जिहदा लंबा इलाज नहीं होना आउंदा कैंसर का 95% मरीजों का 1 रुपया भी कैंसर के इलाज से खर्च नहीं होंदा। ये कोई छोटी गल नहीं है। प्राइवेट हस्पताल चले जाओ 1.5 लाख रुपए की एक वॉयल लगती है जे किसी की कीमोथेरेपी की दवाई लगनी हो। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि अज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दे सहयोग सदका राहुल गांधी दे प्यार सदका असी उरे एक टाटा दा कैंसर हॉस्पिटल भी लैके आ सके जिहड़ा चल रहा है ते अजे पी जी आई दा हॉस्पिटल भी जिहड़ा आया सी ओह भी चलना चालू होया। तो मैं समझदा कि इहदे नेड़े अगर मैडिकल कॉलेज बन जांदा है तो उत्थे पढ़न वाले बच्चों नूं ये दोनों हस्पतालां दे डॉक्टरां तो ट्रेनिंग मिलेगी उन्हां नूं सहूलत मिलेगी वह एक्सपीरियंस डॉक्टर बनणगे नवीं फील्ड्स दे ते जदों मैडिकल कॉलेज बन जूगा तो वह मैडिकल कॉलेज नाल वड्डे पद्धर की सहूलत इस पूरे इलाके दे विच मैडिकल दी लोगों नूं मिल सकेगी। लगता है जेकर जे होर स्टेटां वांगू जे अलायंस हो रहा पंजाब च अलायंस होया तां मैडिकल कॉलेज दा राह खुल जूगा? नहीं नहीं, मैं मैडिकल कॉलेज दा राह अलायंस नाल जोड़न दा मैं समझदा कोई लोड़ नहीं है। मैडिकल फैसिलिटी देना सरकार दी ते साडी सारे नुमाइंदियां दी जिम्मेवारी हुंदी है और उस जिम्मेवारी नूं समझदे होए कि जदों मैं उरे एम पी सी और उस तो बाद मैं बाद च मैनूं वजीर बनने का मौका मिलिया तो उस वेले मैडिकल कॉलेज की मंजूरी की और उस तो पहला असी टाटा कैंसर हॉस्पिटल के पी जी आई का 449 करोड़ रुपया मंजूर करके दिता से। नहीं तो क्रेडिट क्रेडिट की गल ही नहीं यार, सब नूं पता है, आई थिंक थोनू भी पता है, लोगों नूं पता है, जिहड़ा स्टाफ है उन्होंने फर्क नहीं पैंदा। मेरा मन हुंदा हमेशा सच्ची ते सुची सेवा करन दा, वो मैं कीती है।